नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो के साथ आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स की वीडियोस अपलोड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी और स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं जिस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूँगा वो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स दोस्तों, आपने दो वेरिएबल की वैल्यूज को इंटरचेंज करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको हेडर फाइल लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं जिसका नाम है conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद मेन फंक्शन, दोस्तों मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। तो वेरिएबल का मैंने डेटा टाइप लिया इंट, इंटीजर टाइप वेरिएबल है। वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल भी मेरा इंटीजर टाइप है तो उसे मैं कोमा लगा करके डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोमा वाई। और एक थर्ड वेरिएबल टेम्परेरी टी। तो मैंने इस तरह से तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स वाई और टी। तीनों वेरिएबल्स आपके इंटीजर टाइप है। अब यूजर से वैल्यू इनपुट कराते हैं। उसके लिए हमें यूज करना है प्रिंटएफ फंक्शन और एक स्टेटमेंट यूजर के लिए प्रिंट कराते हैं कि एंटर टू नंबर्स। जो भी दो नंबर यूजर इनपुट करेगा उसको यूजिंग स्कैनर आप स्टोर कराएंगे एक्स और वाई वेरिएबल पर। आपके जो एक्स और वाई वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है तो आप यहाँ पर परसेंटाइल डी लिखेंगे। दो वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो दो बार परसेंटाइल डी लिखेंगे। उसके बाद डबल कोट्स कोमा लगा करके एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एक्स कोमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वाई। ये ऑपरेटर वेरिएबल्स का एड्रेस रिटर्न करता है, उसी पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर के स्कैनर उस वैल्यू को स्टोर करता है जो यूजर ने इनपुट की है। लास्ट में सेमी कॉलन। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज को हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू है एक्स वेरिएबल में उसको हम टी में असाइन करते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास t में आ गई है तो x वेरिएबल पर हम y वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब y वेरिएबल के ऊपर t की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो जाती है। अभी आप फिक्र ना करें, मैं इसका प्रोसेस एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको ये प्रोग्राम। उसके बाद आप इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराइए ये देखने के लिए कि क्या वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं। यहाँ पर हम स्लैश एन यूज कर लेते हैं। स्लैश एन हम यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। एक्स वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और इसी तरह से वाई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। GetCH यूज किया हमने। तो दोस्तों ये है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। इसमें देखिए हमने क्या किया है। देखिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिखी है, फिर void main function। अब आपने यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स वाई और टी वेरिएबल। देखिए सपोज आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स वेरिएबल y वेरिएबल और t वेरिएबल। फिर आपने यूजर से इनपुट
रहा है एंटर टू नंबर्स, अब दो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है, तो उन दोनों नंबर्स को आपने स्कैनर फंक्शन की हेल्प से एक्स और वाई वेरिएबल पर स्टोर कराया, एक्स और वाई वेरिएबल पर स्टोर करा दिया आपने। तो सपोज यूजर ने इनपुट किया है 5, तो वो वैल्यू आपकी x वेरिएबल में आ गई, और फिर उसने इनपुट किया है 10, तो 10 वैल्यू y वेरिएबल में आ गई। इस तरह से अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखा है t इज इक्वल टू x, इसका मतलब है कि x वेरिएबल की वैल्यू t वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो x में क्या वैल्यू है दोस्तों, 5, ये 5 वैल्यू आपकी t वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो अब t वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है x असाइनमेंट ऑपरेटर y, इसमें y वेरिएबल की वैल्यू x वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। y वेरिएबल में वैल्यू है 10, तो अब यहां से जो x वेरिएबल की ये जो 5 वैल्यू है ये खत्म, और इसी वैल्यू पे ये ओवरराइट हो जाएगी। अब x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है 10। उसके बाद t वेरिएबल की वैल्यू को हमने y वेरिएबल में असाइन किया है, तो t के पास है वैल्यू 5, ये वैल्यू असाइन हो गई है y वेरिएबल में। तो इसी तरह से y की वैल्यू भी यहां से डिलीट हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, और ये जो 5 वैल्यू है वो आपकी y वेरिएबल में स्टोर हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x और y वेरिएबल की वैल्यूज इंटरचेंज हो चुकी हैं। जो वैल्यू x में थी वो y में स्टोर हो गई, जो वैल्यू y में थी वो x वेरिएबल में स्टोर हो गई। फिर हमने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराया है यूजिंग printf। printf x इज इक्वल टू परसेंटाइल d, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा x वेरिएबल की वैल्यू 10 और y वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम इंटरचेंज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसी प्रोग्राम को हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी बना सकते हैं, चलिए उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। मैंने सेम प्रोग्राम यहां पर कॉपी कर लिया है, लेकिन अब जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बना रहे हैं, तो इसमें हम टी वेरिएबल नहीं लेंगे। इसके बाद आपने यूजर से दो वैल्यूज इनपुट कराई है, और ये जो लॉजिक है ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हम थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो लॉजिक आएगा दोस्तों वो है x इज इक्वल टू x प्लस वाई, y इज इक्वल टू x माइनस वाई, और x इज इक्वल टू x माइनस वाई। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स और वाई वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल से। उसके बाद आपने दो वैल्यूज यूजर से इनपुट कराई है, एंटर टू नंबर, और उन दोनों वैल्यूज को आपने एक्स और वाई वेरिएबल पर स्टोर कराया है। मान लीजिए यहाँ पर आपके दो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं, एक है एक्स वेरिएबल एक है y वेरिएबल, दोनों की वैल्यूज इंटरचेंज करनी है आपने। आपने इसके लिए दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड किया, लेकिन उससे पहले यूजर ने जो भी वैल्यू यहां पर इनपुट की होगी वो x और y वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मान लीजिए यही दो वैल्यूज ले लेते हैं, x वेरिएबल में वैल्यू है 5 और y वेरिएबल की वैल्यू है 10,
अब इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड किया x प्लस वाई, तो 5 प्लस 10 15 और वो वैल्यू असाइन हो गई x वेरिएबल में। अब x वेरिएबल की वैल्यू 5 नहीं है, अब x वेरिएबल की वैल्यू हो गई 15। उसके बाद x माइनस वाई, अभी x की करंट वैल्यू कितनी है 15, 15 में से हमने माइनस किया y वेरिएबल की वैल्यू को, तो 15 माइनस 10 5, ये 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी y वेरिएबल पर, तो y वेरिएबल की वैल्यू भी ओवरराइट होगी और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद फिर से x माइनस वाई, अब x की करंट वैल्यू है 15 और y की करंट वैल्यू है 5, तो 15 माइनस 5 10, फिर 10 वैल्यू x वेरिएबल पर असाइन हो जाएगी। एक बार फिर x वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट होगी और अब x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x वेरिएबल की वैल्यू y में स्टोर हो गई और y वेरिएबल की वैल्यू x वेरिएबल में स्टोर हो गई। उसके बाद इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपने यहाँ पर प्रिंट कराया है, तो x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई है, और अगर इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।